हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल इजी साइंस क्लासेस में। आज मैं हिंदी के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब वह कहां पर हुआ? इसका आंसर है, राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में ननिहाल गांव में हुआ तथा पंद्रह गांव आजमगढ़ जिला और उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। उनका पैतृक गांव यानी पुराना गांव कनेला था। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? इसका आंसर है केदार पांडे। तीसरा क्वेश्चन है, उनकी शिक्षा कहां पर हुई तो उन्होंने कब कहां जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया? इसका आंसर है, उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में पूर्ण हुई तथा बौद्ध धर्म ग्रहण उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर किया। चौथा क्वेश्चन है, राहुल जी किन भाषाओं के जानकार थे? इसका आंसर है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी तथा रूसी आदि भाषाओं के जानकार थे। पांचवा क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन का देहांत कब हुआ? इसका आंसर है 1963 में। राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख कृतियां कितनी हैं और नाम लिखो। 7 कृतियां हैं उनके द्वारा रचित, 7 कृतियां हैं उनके नाम दिए गए हैं, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी और वोल्गा से गंगा, भागो नई दुनिया को बदलो और दिमाग की गुलामी को मकर शास्त्र, ये सब उनकी कृतियां हैं। और उनके द्वारा रचित पुस्तकें लगभग 150 यानी 150 है। अब हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा रचित हैं। उसका नाम है लहाचा की ओर। लहाचा की ओर पहला क्वेश्चन है, लेखक तथा समती यानी साथी चीनी किले पर क्यों ठहरे? तो इसका आंसर है, चाय पीने के लिए। तथा दूसरा क्वेश्चन है कि जब वे यानी लेखक तथा सुमती चीनी किले से रवाना हुए तो एक आदमी उनसे रहदारी मांगने आया, लेखक ने उसे क्या दिया? उस आदमी को लेखक ने 2 चिट्ठे दिए थे। तथा तीसरा क्वेश्चन है, जब लेखक तथा सुमती 5 साल बाद थोड़ला के पहले के आखिरी गांव से गुजर रहे थे तो वे किस वेश में थे? तो वे भद्र वेश में थे और उन्हें रुकने के लिए जगह नहीं मिली थी। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह किसे कहा जाता है? तो डांडे को कहा जाता है। डांडे जगह है जो खतरे की जगह है, क्योंकि वहाँ पर डाकू रहते हैं, वहाँ पर पुलिस तथा वो जो सरकार होती है उसका अधिकार नहीं होता है। वहाँ सरकार पुलिसों पर ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करती है। तथा पांचवा क्वेश्चन है, जब लेखक तथा सुमती डांडे के ऊपर ऊपरी टीले पर गए तो उन्हें उत्तर तथा पूर्व पश्चिम में क्या दिखाई दिए? पूर्व पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों श्वेत शिखर तथा उत्तर की ओर बहुत बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई दी और सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। और छठा क्वेश्चन है, जब लेखक सुमती से पिछड़ गए तथा जहाँ पर 2 रास्ते फूट रहे थे वहाँ वे बाएं रास्ते पर 1.5-2 मील चले गए, बाद में उन्हें क्या पता चला विदित होगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला है? उन्हें
एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला है। तिडरी के विशाल मैदान में जो पहाड़ों से गिरा टापू सा मालूम होता है, उसमें दूर एक छोटी पहाड़ी मैदान में दिखाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? तो तिडरी समाधि स्थान कहा जाता है या गिरी कहा जाता है, गिरी एक पर्वत होता है। लेखक ने आसपास के गांवों में जाकर यजमानों से मिलने से सुमती को कैसे रोका? सुमती कहते थे कि मैं वहाँ जाऊँगा, यजमानों से मिलूँगा, तो लेखक ने उन्हें पैसों का लालच देकर उन्हें रोका कि मैं लड़कों जाकर आपको पैसे दे दूँगा, आप मत जाइएगा। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी हुई थी तथा लेखक जब जागीरदार में गया जहाँ एक अच्छा मंदिर बना हुआ था जिसमें खंजूर की हस्तलिखित कितनी पोथियाँ रखी थी, तो 103 पोथियाँ रखी थी जो हस्तलिखित थी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, वो लेखक की पड़ी थी। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। लेखक ने किस आशय से ये वाक्य कहा है? तो लेखक पढ़ने में रम हो गया था इसलिए कहा गया है। तथा इसी के साथ आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। जुड़ते रहिएगा अगले वीडियो के साथ ऐसे ही क्वेश्चन।